जो काम करे चंडाल, अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चंडाल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल, जो भक्त हो महाकाल। आदरणीय अध्यापकगण, वे मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। मतलब ये वास्तव में हुआ है। सत्य घटना किसको कहते हैं? जो वास्तव में हुआ है, ठीक है? तो ध्यान पूर्वक इस कहानी को श्रवण कीजिए और इसे शिक्षा ग्रहण कीजिए। एक बार एक दंपत्ति थे, बहुत समय पहले की बात है कि एक दंपत्ति थे। दंपत्ति किसको कहते हैं? पति पत्नी। कोई संतान नहीं थी, बहुत धार्मिक विचारों के वो दंपत्ति थे, लेकिन बहुत साल बीत चुके थे, उनकी कोई संतान नहीं। वो बहुत चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे कि हमारी कोई संतान नहीं। तो एक दिन उन्होंने शिव जी की आराधना की, शिव भगवान की, और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि भगवान, आपका दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम संतान सुख से वंचित हैं, हमारी कोई संतान सुख यानी हमारी कोई बच्चा नहीं है, तो कृपया हमें संतान सुख प्राप्त करने का वरदान दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि आपके भाग्य में संतान है, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए? सुपुत्र यानी जो अच्छे कर्म करता हो, माँ बाप का नाम रोशन करता हो, कुपुत्र यानी जो बुरे कर्म करता हो, माँ बाप के आज्ञा का पालन ना करता हो। तो ऋषि मुनि कुछ देर सोचने लगे, उन्होंने कहा कि जो सुपुत्र होगा आपका वो कम समय के लिए जीवित होगा, लेकिन जो कुपुत्र होगा उसकी आयु बहुत लंबी होगी। तो ऋषि मुनि बहुत सोचने लगे, वो दंपत्ति बहुत सोचने लगे, और अंत में उन्होंने ये विचार किया कि भगवान हमें एक सुपुत्र प्रदान कीजिए, भले ही उसकी उम्र कम क्यों ना हो। तो भगवान ने ये तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। तो उन्हें कुछ समय बाद बहुत ही सुंदर बालक पैदा हुआ, बहुत ही सुंदर। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, माँ बाप की चिंता बढ़ती गई। उनको क्या चिंता थी कि उनके जो वो बच्चा है उसकी आयु जो है बहुत कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो भगवान का वरदान मानकर अपने पुत्र को बहुत अच्छे तरीके से संस्कार दिए और उसकी सेवा सुरक्षा। एक दिन फिर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुए और वो एक ज्योतिषी जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि मेरे बच्चे के बारे में आप कुछ भविष्य देखकर बताइए, किसके भविष्य में क्या देखा है। तो जोशी ने देखा और उसको कहा, उसके पिताजी को, कि इसकी आयु तो बहुत कम है, ये तो सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके बाद ये काल को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कोई तो उपाय होगा। उसके पिताजी ने कहा कुछ उपाय तो बताइए। तो ऋषि मुनि ने कहा, जो पंडित जी थे, जो जोशी थे, उन्होंने कहा कि अगर ये किसी दिव्य महापुरुष के दर्शन करे और उनके चरण छुए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे तो निश्चित ही इसकी आयु बढ़ सकती है। लेकिन दिव्य ऋषि कैसे मिल सकते हैं, कहाँ ढूंढे उसको, इस बात की समस्या थी। तो उसने अपने पुत्र से वो वहाँ बात सुनकर अपने घर को आ गया, घर वापस आ गया। तो उसने अपने उसका बेटा जो था वो देख रहा था सब कुछ, कि उसके माता पिता बहुत चिंतित हैं। तो उसके पिता ने उस बच्चे को कहा कि बेटा आप ऐसा करो कि जो भी आपको मिले, अब ऐसा दिव्य महापुरुष ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि कौन दिव्य महापुरुष है, किसी को नहीं कुछ भी पता, तो आप आज
से ऐसा करिए कि जो भी आपको मिले, जो भी व्यक्ति आपको मिले, आप उसके उसको चरण स्पर्श करके नमन कीजिए और उससे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो पिता ने पुत्र ने कहा ठीक है पिताजी, मैं आपसे आज से ऐसा ही करूँगा। तो गंगा घाट में रहने लगे और वहाँ पे दिन में उनका यही कार्य हुआ, बहुत सेवा सुरक्षा करने की, मेरा जीवन तो बहुत छोटा सा है, जितना मैं अपने कर्म अच्छे कर सकूँ उतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपनी तरफ से पूरी कोई नहीं मिलता, सबकी सेवा करते, बहुत मीठा बोलते, मधुर बोलते और अपनी तरफ से कोशिश करते कि मेरी तरफ से किसी को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, किसी का मन ना दुखे, क्योंकि मेरे पास जो समय है वो बहुत कम है। तो एक दिन क्या उनका नित्य प्रतिदिन का क्या कार्य था कि जो भी मिलता, कोई भी मिलता, उनको क्या करते, वो चरण स्पर्श करते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते और अपने आप को धन्य मानते। तो इसी तरह से ना कुछ दिन व्यतीत हुए, तो एक बार क्या हुआ कि सप्त ऋषि होते हैं जो स्वर्ग में गमन करते हैं, तो वो गमन करते करते ना अचानक पृथ्वी लोक पर आ गए, वहीं जहां पर वो कौन था, जो वो बेटा था उनका, ऋषि का जो बेटा था। तो उनको नहीं पता कि ये दिव्या सप्त ऋषि हैं, तो उसने अपने नित्य प्रति कार्य के अनुसार उनको नमन किया, उनके चरण स्पर्श किए, उनकी बहुत सेवा की और सेवा करने से वो इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन ऋषियों ने सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह होता है उसको हम कहते हैं सप्त ऋषि, उनके दर्शन की तुलना होते हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए। तो उन्होंने जब उनके दर्शन किए, उन्होंने उसको चिरंजीवी होने का वरदान दिया, चिरंजीवी यानी कि आपकी दीर्घायु हो। सप्त ऋषियों के मुख से ऐसे वचन सत्य सिद्ध होते हैं और आपको पता है कि वो व्यक्ति कैसा था, उस व्यक्ति की आयु क्या कैसी थी, बहुत कम थी ना। उनको वरदान मिला हुआ था, पुत्र की प्राप्ति तो हो गई लेकिन उनकी आयु जो थी बहुत कम थी। तो जब सप्त ऋषियों के मुख से ऐसा वरदान सुना तो उसके माता पिताजी की आंखों से आंसू बह चले। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनि आपने वरदान तो इनको दे दिया है लेकिन इस मेरे पुत्र की आयु जो है बहुत कम है, ये जल्दी ही काल का त्रास होने वाला है क्योंकि बहुत समय रह गया, 3 दिन शेष बचे थे उनके मृत्यु को निकट आने में, 12 वर्ष हो चुके थे, सिर्फ 3 दिन शेष बचे थे। तो जब सप्त ऋषियों को पता चला, क्योंकि जो सप्त ऋषियों ने वरदान दे दिया वो असंभव को भी संभव कर देता है, जो नहीं हो सकता उसको भी वो कर देता है, ठीक है। तो अब सप्त ऋषियों ने जो वरदान दिया वो सत्य सिद्ध होना ही था, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है नियमों में बंधा होता है। अब वो क्या किया, उन्होंने कहा कि आप इस पुत्र को हमारे को दें कुछ दिनों के लिए, हम इसको स्वर्ग लोक की में लेकर जाते हैं। तो वो कहाँ लेकर गए, ब्रह्मा जी के पास। उनको कहाँ लेकर गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के उन्होंने चरण छुए, उस पुत्र ने ब्रह्मा जी के चरण छुए, तो उन्होंने भी उसको चिरंजीवी होने का वरदान दिया। लेकिन सप्त ऋषि ने कहा कि गुरुवर इसकी तो आयु बहुत कम है और आपने इसको चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया, तो ब्रह्मा जी भी मतलब अपने कहे के अनुसार बंध गए। उसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि मेरे से सबसे बड़ा कौन है, महाकाल भगवान शिव, उनके तो मतलब जो कहा है वो कभी मतलब समाप्त नहीं हो सकता, वो हमेशा सत्य सिद्ध होगा ही होगा। तो ब्रह्मा जी उसको कहा लेकर गए, भगवान शिव के पास। शिव जी के उन्होंने चरण स्पर्श किए तो शिव जी की कृपा से उन्होंने, शिव जी ने भी उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया। अब सभी जो हैं, जो सप्त ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी थे, तो उन्होंने कहा कि महादेव आपने इसको वरदान तो दे दिया है, हमने भी इसको वरदान दे दिया है, लेकिन ये अल्पायु है, अल्पायु यानी उसकी आयु कम। तो जब शिव जी ने अपने अंतर ध्यान होकर देखा कि अरे ये तो वही बालक है जो मेरे वरदान से हुआ था, मेरे वरदान से हुआ था लेकिन मैंने उनको बोला था कि इसकी तो आयु बहुत कम है, अब क्या किया जाए, तो शिव भगवान ने उनको कहा कि बेटा आपके जीवन का अब 1 दिन शेष रह गया है, अब आपने क्या करना है कि शिवलिंग पे जाकर आपने क्या करना है,
ओम नमः शिवाय का जाप करना है। क्या करना है? ओम नमः शिवाय का जाप करना है। वो पुत्र जो है सुबह से लेकर शाम तक ओम नमः शिवाय बेल पत्थर चढ़ाता गया, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा करता रहा करता रहा। और इस समय उस समय उसके काल की भी घड़ी जो है ना वो निकट आ गई, मतलब उसका जो जीवन था वो समाप्त होने वाला था। तो काल आया, काल ने तो उसी समय में आना ही था। तो उसने जब कालपाश फेंका, कालपाश जिससे प्राण निकलते हैं, तो जब वो फेंका तो उस पुत्र ने ना उस बालक ने शिवलिंग को गले लगा लिया, मतलब उससे लिपट गया कि मैं नहीं जाऊंगा। अब जिस व्यक्ति ने उस शिवलिंग को गले लगाया हो, उसको अपना सब कुछ मान लिया हो, तो काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब काल आया समय पे, लेकिन जिसके आगे महाकाल हो, काल उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। तो वो मतलब उसको ऐसे ही छोड़कर चले। तो बच्चों, जो बालक अल्प आयु था, एक संस्कारों के माध्यम से क्या किया था उसने? सबसे पहले चरण छुए थे, सप्तऋषियों के क्या किए थे? चरण छुए थे, और उसके द्वारा ही उनको वरदान मिला था दीर्घायु होने का। यही हुआ था ना, मतलब एक चरण छूने से उनको वरदान मिला। जो बच्चा बहुत जल्दी मरने वाला हो, उसको एक अमरता का वरदान मिल गया कि आप सदा सदा के लिए अमर हो गए, अमर हो जाओगे। तो उसको अमरता का वरदान मिला, और वही बच्चा, जानते हो बच्चा बड़ा होकर क्या बना, कौन बना? कोई जान सकता है? कोई बता सकता है? बता सकता है कौन बना? वही बालक बड़ा होकर मार्कंडेश्वर जी बने, जिनकी 12 वर्ष की आयु थी, लेकिन उनको अमरता का वरदान मिला उनके संस्कारों के माध्यम से। ठीक है, तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। संस्कार किसको कहते हैं? जो अच्छे कार्य हमारे होते हैं, विश करना, समय पे अपना कार्य करना, ठीक है, अपने माता पिता की सेवा करना, ये हमारे किसमें काउंट होती है चीजें? संस्कारों में काउंट होती है ना, है ना। तो अध्यापक गण का भी मैं प्रार्थना करूंगी, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कभी भी आपको समय मिले तो मोरल वैल्यूज जरूर सिखाएं, क्योंकि ये जो मोरल वैल्यूज होती है ना, ये पढ़ाई से भी ज़्यादा काम कर जाती है। पढ़ाई बाद में देखी जाती है, सबसे पहले आपके क्या दिखते हैं? संस्कार दिखते हैं कि आपके अंदर कितने संस्कार हैं। आपको भी पता है कि बच्चे ज़्यादातर किसके संपर्क में रहते हैं? या तो अपने माता पिता के संपर्क में रहते हैं, या अपने अध्यापक गण के संपर्क में रहते हैं। अध्यापकों के संपर्क में रहते हो ना आप ज़्यादातर, और या फिर आप किसमें रहते हैं? अपने माता पिता के। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा का पाठ भी पढ़ाएं, ताकि वो जीवन में सफल हों और अच्छे नागरिक बने। क्योंकि देखिए, एक छोटी सी घटना है कि किस तरह से अगर आप बच्चों में संस्कार डालते हैं, तो बच्चा जब तक आपके पास पढ़ता है तब तो वो आपको याद रखता ही रखता है, लेकिन जब उसकी स्टडी पूरी हो जाती है उसके बाद भी बच्चे आपको याद रखते हैं। अगर आपने उनके ऊपर कोई गहरी छाप छोड़ी तब वो याद रखते हैं, अदरवाइज वो आपको भूल जाएंगे नॉर्मल इंसान की तरह। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा सिखाया है, अगर बच्चों को कुछ अच्छा सिखाया है, तो बच्चे आपको हमेशा याद रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, एक छोटी सी घटना है कि अभी आपको बताइए, 13 अगस्त को कन्हैया मित्तल जी का कार्यक्रम हुआ था। तो अध्यापक किस तरह से बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। तो मैं भी वहाँ पर, मुझे भी वहाँ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो 50,000 से भी ज़्यादा की संख्या थी वहाँ पर, एक दूसरे को पहचानना बड़ा मुश्किल था। उस भीड़ में एक आदमी आया, आदमी कह सकते हैं उसको, क्योंकि दो बच्चों का बाप बन चुका था। ठीक है, तो वो आया और उसने मेरे चरण छुए। तो मैं बड़ी हैरान कि इतना बड़ा आदमी, मतलब ईडोल से काफ़ी हेल्दी हो गया था,
तो मैंने कहा इसने मेरे चरणों के छुए, मैं आपको मैंने चलो गॉड ब्लेस यू बोला उसको, और मैंने पूछा भाई मैंने आपको पहचाना नहीं आप कौन हो, तो उसने पता क्या जवाब दिया मुझे, कहते मैम मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आपने मुझे 26 साल पहले पढ़ाया था गीता स्कूल में। तो मैं बड़ी हैरान कि 26 साल पहले बच्चा मुझे याद रख रहा है। तो कहते जो आपने हमें सिखाया था वही चीजें हमारे अंदर हैं और वही चीजें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो यकीन मानिए इतनी ज्यादा खुशी हुई जब आपके बारे में ऐसा बोला जाता है, तो बहुत खुशी होती है जब आप किसी के मन में कोई गहरी छाप छोड़ जाते हैं। ठीक है, कहा भी जाता है ना कि सभी गुणी होते हैं, गुणी सभी हैं, लेकिन उस गुण का कहाँ आपने प्रयोग करना है, कब क्या कहाँ क्या बोलना है, ये किसी किसी को पता होता है। ऐसे ही होता है ना कि नायाब हीरा बनाया है यहाँ रब ने हर किसी को, नायाब हीरा बनाया है रब ने यहाँ हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। यानी आप अपने आप को तराशें और आप अगर आप में समर्थ है किसी को कुछ सिखाने की तो उसको सिखाएं, क्योंकि अगर आप किसी के लिए अच्छा कार्य कर रहे होते हैं ना, जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं या किसी के लिए अच्छा कार्य कर रहे होते हैं तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप मदद करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, आपके साथ भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा दूसरों की मदद करिए, अपने संस्कारों को मत भूलिए, अपने गुरुजनों को अपने माता पिता को हमेशा आदर दीजिए, और अध्यापक भी इसमें बच्चों का सहयोग करेंगे, क्योंकि जो अध्यापक हैं बच्चों को सिखाएंगे वही बच्चे सीखेंगे और वही एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो सबसे प्रेम भाव से मिलिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तुलसी संसार में सबसे मिलिए भाई, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, मतलब कि ना जाने आपको किस देश में भगवान के दर्शन हो जाए। इसलिए सभी का सम्मान कीजिए और एक अच्छे नागरिक बनिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन मंगलमय।